हर इंसान साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाता है क्योंकि ये दिन उसके लिए खास होता है। इसी तरह हम बाकी खास दिन की भी सालगिरह मनाते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई लम्हा पूरे 3000 साल बाद आए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक खास किस्म के डेविल की जंगलों में 3000 साल बाद वापसी हुई है। ये शैतान कौन सा है और इससे कौन सी खास बातें जुड़ी हुई हैं और उसकी वापसी से ऑस्ट्रेलिया में खुशी का माहौल क्यों है, देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये ना तो चूहा है और ना ही बिच्छू। छोटा सा दिखने वाला ये जानवर है बहुत ही खतरनाक। नाम है तस्मानिया डेविल। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया सूबे में पाया जाता था। इस जानवर से जुड़ी एक खबर ने पूरी दुनिया के जीव वैज्ञानिकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में तस्मानिया डेविल के 11 बच्चों ने जन्म लिया है। आप कहेंगे कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, तो जान लीजिए कि ऐसा पूरे 3000 साल बाद हुआ है। जी हाँ, पूरे 3000 साल बाद न्यू साउथ वेल्स की बैरिंगटन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 988 एकड़ में फैली है और यहीं पर तस्मानिया डेविल मादा ने 11 बच्चों को जन्म दिया है। ये मुमकिन हुआ है ऑस्ट्रेलिया एनजीओ ऑसी आर्क के प्रयासों के दम पर। दरअसल साल 1941 से ही तस्मानिया डेविल्स को बचाने की मुहिम जारी थी, लेकिन 1990 के दशक में इन जानवरों के चेहरे पर ट्यूमर की बीमारी तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से इनकी कुल तादाद का 90% हिस्सा खत्म हो गया। साल 2008 में तस्मानिया डेविल को यूनाइटेड नेशन की रेड लिस्ट में डाल दिया गया था और इसके बाद इसे विलुप्त हो चुके जानवरों की श्रेणी में रखा गया। अब ये जानवर केवल चिड़ियाघरों तक बचा था। इनकी आबादी के सिमटने की दूसरी वजह बने शिकारी और जंगली कुत्ते, जिन्होंने शैतान का शिकार करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आज से 3000 साल पहले तस्मानियाई डेविल मादा ने बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद से ही ये जानवर जंगलों से दूर भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। पिछले साल ऑसीआर्क नाम के एनजीओ ने 15 तस्मानिया डेविल जंगलों में छोड़े थे और अब इसमें 11 की तादाद फिर से जुड़ गई है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऐसा 3000 साल बाद हुआ है जब तस्मानिया डेविल्स ने बच्चों को जंगल में जन्म दिया है, इसीलिए इस घटना को बड़े आश्चर्य के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको इस जानवर की कुछ खासियत बताते हैं। तस्मानिया डेविल की लंबाई तकरीबन 2 फुट तक होती है, जिसमें से 1 फुट के करीब यानी करीब 10 इंच तो इसकी पूंछ की लंबाई होती है। ये 8 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसकी औसतन उम्र 5 साल होती है। ये मांसाहारी होते हैं और अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके खा लेते हैं। तस्मानियाई डेविल की संख्या कम होने की एक वजह यह भी है कि नर अमूमन सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। फिलहाल न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में अब इस जानवर को बचाए रखना भी चुनौती है क्योंकि शिकारी किसी भी शक्ल में सामने आ सकते हैं, इसीलिए इनकी कड़ी निगरानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।